हिसार में उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय 12वें कृषि दर्शन प्रदर्शनी का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने किया। इस मौके पर प्रांत प्रचारक विजय भी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय मेले का ट्रैक्टर कंबाइन मशीन, धान कटाई की मशीन, सिंचाई मशीन की सबसे अधिक स्टॉल रही। इसके अलावा मेले में 10 से अधिक स्टॉल ड्रोन के लगाए गए। बता दें कि 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की कंपनियों के उत्पाद स्टॉल भी रहे। करीब 350 से अधिक स्टॉल पर किसानों के लिए आधुनिक तकनीक व उत्पादों को उपलब्ध कराया गया। मेले में 4 कंपनियों ने अपने नए ट्रैक्टर मॉडल लॉन्च किए। वहीं प्रदर्शनी में सौर ऊर्जा से संचालित चारा काटने की मशीन का स्टॉल भी लगाया गया। भारत सरकार के द्वारा फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में जो ये कृषि दर्शन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, ये 17, 18, 19 फरवरी को हो रहा है। आज इसका पहला दिन है और इस कार्यक्रम के अंदर हर साल के भांति कृषि मशीनरी से संबंधित तमाम प्रकार के निर्माताओं ने अपने अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया है और कुछ निर्माताओं ने जो हर वर्ष की भांति जो रेगुलर प्रोडक्ट भी होते हैं उनके भी प्रदर्शन किया है। साथ साथ में नए नए कुछ कृषि मशीनरी का आविष्कार हुआ है उनका भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। कुछ ट्रैक्टर कंपनियों ने अपना नया ट्रैक्टर का उन्होंने आज लॉन्च किया है और इस प्रकार के जो है लगभग 320 स्टॉल लगे हुए हैं और बड़े मात्रा में किसान जो हैं इस मेले के अंदर आ रहे हैं और काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। इस कृषि मशीनरी की जो प्रदर्शन के अंदर एक विशेष तौर पे इस बार ड्रोन से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं। आप सबको मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 15,000 ड्रोन आने वाले 2 साल के अंदर वितरित होना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना दी जा रही। हमारी जो TTC है इस संस्थान में ड्रोन को उड़ाने से पहले ड्रोन का उड़ाने का प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, तो उससे संबंधित हमारा जो संस्थान है यहाँ पे ड्रोन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम सूचनाएं देंगे और ड्रोन किस प्रकार के हैं, किस कीमत के आते हैं, कैसे उड़ाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इस मेले के अंदर जानकारी दी जाए। वहीं कृषि प्रदर्शनी में कई कंपनियों ने किसानों के लिए उनकी जरूरत के अनुसार अनुभवी लोगों द्वारा प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके अलावा मेले में बैंकों ने किसानों के लिए मशीनरी लोन और क्रेडिट कार्ड की तरह कई स्कीमों के बारे में किसानों को अवगत कराया। इसके साथ ही मेले में इस बार बागवानी विभाग ने भी सहयोग दिया। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।